ये स्वीट कॉर्न को देखकर मुंह में पानी आ रहा है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रुचा शो। आज हम बनाएंगे मसाला कॉर्न सब्जी, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 750 ग्राम के करीब स्वीट कॉर्न ली है। 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने लिया है, उसे फाइन चॉप कर लिया है। अभी 3 मीडियम साइज के टमाटर लिया है मैंने, उसे भी चॉप कर लिया है। एक कप होममेड मलाई ली है, आप चाहो तो क्रीम का यूज भी कर सकते हो। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ली है मैंने और कसूरी मेथी 2 टेबलस्पून ली है। यहाँ हम एक पैन लेंगे, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे उसमें। इस रेसिपी में हम मलाई का यूज़ करने वाले हैं दोस्तों, तो ऑयल हमें कम ही रखना है। अभी ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से चटकने लगा है और अभी हम 1/4 टीस्पून हींग ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने जो प्याज रेडी की थी वो ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे प्याज को। प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तभी हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। बराबर से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से पक जाए तभी हम उसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को यहाँ मैंने मिक्स कर लिया है और 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाए। अभी हम 3 मिनट के लिए पैन को कवर कर लेंगे। तीन मिनट के बाद टमाटर अच्छे से पक गए हैं। मलाई को ऐड कर लेंगे। अभी अच्छे से मिक्स कर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग या हम सॉल्ट ऐड करेंगे और कसूरी मेथी को हमें हाथों से क्रश करना है और ऐड कर लेंगे। पैन को कवर कर लेंगे। 5 मिनट के बाद देख सकते हो कि हमने जो मलाई ऐड की थी उसका घी निकलना शुरू हो गया है और ग्रेवी का कलर भी बढ़िया लग रहा है। अभी हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। टू टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड करेंगे।
दो मिनट के लिए फिर से पैन को कवर कर लेंगे। अभी ये जो टमाटर और मलाई हमने ऐड की है इसमें, उसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए हम 1 टीस्पून शुगर ऐड करेंगे। स्वीट कॉर्न तो मीठे होते ही है, लेकिन इसमें शुगर ऐड करने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी हम कॉर्न ऐड करेंगे। हमें ग्रेवी के हिसाब से कॉर्न ऐड करनी है। यहाँ 750 ग्राम में से मैंने 500 ग्राम के करीब कॉर्न ली है। कॉर्न आप ग्रेवी के हिसाब से ऐड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कॉर्न पसंद है तो ज़्यादा ऐड करना, और अगर कम पसंद है, ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो कॉर्न कम ऐड करना। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम 5 से 7 मिनट के लिए फिर से कवर कर लेंगे पैन को। 7 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अभी गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और सर्व करेंगे। गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ थोड़ी मलाई ली है। मलाई ऐड करेंगे और धनिया पत्ता ऐड करेंगे। तो दोस्तों, तैयार है हमारी मसाला कॉर्न सब्ज़ी। आप इसे गर्मा गर्म पराठा या नान के साथ एंजॉय कर सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। फिर से मिलेंगे। बाय बाय।